चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर ग्वालियर से हमें मिल रही है। अतिथि शिक्षक उपचुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर फूलबाग पर धरना देंगे। अतिथि शिक्षकों ने सिंधिया पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शिक्षकों की सिंधिया से मांग, हमारे हक में सड़कों पर उतरे सिंधिया। अतिथि शिक्षकों की खुली चेतावनी है, 28 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम करेंगे अतिथि शिक्षक। तो बीजेपी को यहां पर खुली चेतावनी दी है अतिथि शिक्षकों ने। उपचुनाव को लेकर वैसे ही सियासत लगातार गर्माई हुई है, जहां बीजेपी जो है पुरजोर तैयारी कर रही है, और वहीं अतिथि शिक्षक जो हैं अब सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसका नतीजा उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। 28 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम अतिथि शिक्षक करेंगे।